आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय वचन 1 से 13। यह देखकर कि यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इसराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारों। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा। और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों में उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, पर तो अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा।